हरे कृष्णा। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार ऐसा चीज है जो लोगों को इस संसार के अंदर बांध के रख दिया है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर कोई हमारे शिष्य बनना चाहता है, इस्कॉन में आना चाहते हैं, तो ये चार चीज को त्याग करके आओ तो तुम्हारा भक्ति बहुत तेजी से बढ़ेगा। अब अगर लोग कहेंगे चारों को हम छोड़ के ही आए, तो फिर मेरे को आप छोड़वाओगे क्या? हाँ, आपको छोड़ने का प्रण लेना है। आप उस प्रण को लेंगे तो आपको ऐसा दवा दिया जाता है कि उस दवा में इतना आनंद है, बाहर के दवा में तो कष्ट है, लेकिन इस दवा में इतना आनंद है, हरि नाम का दवा है जो आपको इस भव सागर को पार करवा सकता है और इस चार महापाप से भी आपको निकाल सकता है। श्रील प्रभुपाद जी और विस्तार से कहते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन में से सबसे जो जटिल बीमारी है, उन लोगों का भय है। भय से निकल पाना बहुत कठिन है। भय क्या है? अनजाना सब है। अगर बूढ़े हो जाएंगे तो कौन देखेगा? बच्चे नहीं देखेंगे तो क्या होगा? नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? शादी नहीं होगा तो क्या होगा? पैसे अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? बीमार हो जाएंगे तो क्या होगा? ऐसा अनगिनत अनजाने भय हम लोग को इस संसार में बांध के रखा है, और इस भय के कारण ही हम यहाँ पे इस भौतिक लोगों का गुलाम बन के बैठे हैं। जो लोग जड़ जगत में लगे हुए हैं, धन कमाने में, शराब पीने में, मदिरा पान करने में, मांस खाने में, हम भय के कारण उनका सेवा किए जा रहे हैं। क्यों? ताकि कुछ धन हमारे पास हो जाए और हम अपने आप को सिक्योर कर पाए। लेकिन कुछ भी कर लीजिए, अंत में काल आएगा और आपके अंदर से आपके प्राण को लेके चला जाएगा। हाँ, अगर कोई स्वेच्छा से मरने के लिए तैयार हो जाए तो उसे मोक्ष कहते हैं, और किसी का जबरदस्ती निकाला जाए प्राण तो उसे मृत्यु कहते हैं। तो हम लोग जब हरिनाम को करते हैं तो हरिनाम हमको तैयार करता है कि स्वेच्छा से हम अपने प्राण को त्याग कर सके। दूसरा प्रभुपाद जी कहते हैं कि दूसरा चीज जो इस जगत में हम लोग को बांध के रखा हुआ है, मैथुन, जिसको सामान्य भाषा में लोग सेक्स कहते हैं। इस जगत में इसका आसक्ति इतना है लोगों के प्रति कि लोग नहीं भी चाहते वे इस आसक्ति में गिर जाते हैं और अपने आप को इस संसार में बांध लेते हैं। लेकिन आप अगर श्रील प्रभुपाद जी के किताब को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसमें सुख नहीं है। हमें लगता है, हमारा भ्रम है कि हमें सुख मिलता है वहां पे। आप समझिए, आप समझिए कि आपको एक गिफ्ट का पैकेट दिया जाए, बहुत सुंदर एक रैपिंग है, और उसके अंदर पैखाना भर दिया गया है, तो आप क्या करोगे? आप उसको फेंक दोगे? लेकिन मालूम होना चाहिए आपको। लेकिन मालूम नहीं तो क्या करोगे आप? आप उसका प्रशंसा करोगे, आप उसको प्राप्त करना चाहोगे, आपको लगा कुछ बहुत ही सुंदर चीज उसके अंदर भरा पड़ा हुआ है। लेकिन आज अगर आप आध्यात्मिक तरफ बढ़ते हैं और आप एक एक चीज को महसूस करते हैं तो आपको पता चलेगा हमारा शरीर भी वैसे ही है, ऊपर से बहुत अच्छा गिफ्ट पैकिंग, अंदर में क्या भरा हुआ है? मल, मूत्र, मांस, मज्जा, थूक, कफ, इससे बना हुआ शरीर है। मतलब ऊपर का पैकिंग बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप उसको भोगने जाओगे तो वो क्या मिलेगा? कफ, मल, मूत्र। मल मूत्र का द्वार को आप भोग के आपको लगेगा कि आप आनंद पा रहे हो। बस इतना सा एहसास कर लो तो आपको पता चलेगा यहाँ आनंद नहीं है। जिस प्रकार एक शराबी जब ड्रेन में, नाला में गिरा होता तो शराबी को क्या लगता है? वाह, मैं राजा हूं, मैं आनंद ले रहा हूं इस नाली में भी बैठ के। लेकिन जब 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे बाद उसका नशा टूटता है तो बोलता है, कोई निकालो मुझे यहाँ से, मैं गंदगी में पड़ा हुआ। उसी प्रकार एक मनुष्य जब उसके अंदर मैथुन क्रिया का नशा चढ़ता है तो उसको करने के समय तो लगता है कि वो बहुत आनंद ले रहा है, लेकिन जब उसका नशा टूटता है तो उसे लगता है कि मैं क्या कर रहा था, अपने जीवन को मैंने गंवा दिया। लेकिन ये एहसास लोगों को होता नहीं है। शराबी को तो एहसास 6-8 घंटे में होता है, फिर भी दोबारा जाके शराब पीता है। लेकिन मैथुन क्रिया करने वाले लोग को एहसास तक नहीं होता, उन्हें लगता है नशा टूटने के बाद भी कि वो आनंद लेके गया है। और इसका एहसास जब तक होता है तब तक समय बहुत आगे निकल जा चुका होता है, बहुत लेट हो गया होता है, और उस समय केवल उसके आंख से अश्रु गिरता है और कुछ करने के लिए नहीं होता उसके पास। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे लोग का भी उद्धार कर दिया जो हमेशा शराब में
मांस मछली में गौ मांस से पड़े होते थे, हिप्पीस तक का प्रभुपाद जी ने उद्धार कर दिया। सिर्फ एहसास का जरूरत है कि हम समझ जाए कि सुख नहीं है, आहार में क्या सुख है। आप समझिए क्या है इस जगत में जो आपको सुख दे पाएगा। हाँ, जीवन निर्वाह के लिए हो सकता है आपको भोजन चाहे, लेकिन अतिरिक्त कर लेंगे, आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है अतिरिक्त कर लेंगे, वो भी आपको नुकसान पहुंचा देगा। मतलब आहार भी प्रभुपाद जी कहते हैं जीवन जीने के लिए आप अपना आहार को लीजिए, लेकिन अतिरिक्त मत लीजिए, अतिरिक्त भी आपको नुकसान पहुंचा देगा। केवल और केवल इतना ही लीजिए जिससे आप अपने संसार का निर्वाह कर सके, भगवान का भजन कर सके। निद्रा अगर आप बढ़ेंगे, आप इस भौतिक जगत के आध्यात्म छोड़ दीजिए, भौतिक जगत का लोग को भी देखिए, अगर वो इस संसार में बहुत धन कमाना चाहते तो उसका वो सोते कम है, बोलता समय कहाँ है सोने के लिए। और आध्यात्मिक जगत में आप बढ़ेंगे तो आप सोने का समय कहाँ है। आपको श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, रामचरितमानस ऐसे अनेक ग्रंथ है जिसमें आपको इतना आनंद मिलेगा। कहते हैं इसमें इतना आनंद है कि लोग इस आनंद से, इस भोजन का आनंद से, तो भोजन खा के आपका पेट तो भर जाएगा, लेकिन जब आप श्रीमद् भागवतम का रस पान करेंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा। परीक्षित जी महाराज का जब सुखदेव जी गोस्वामी श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे तो बोलते सुनाओ, 7 दिन 7 रात तक सुनते रहे, उनका जीव, उनका मन नहीं भरा, उनका उदर नहीं भरा, लेकिन आनंद कहाँ से, ऐसे रस का आनंद कहाँ से ले रहे थे। बोलते ऐसा आनंद हमें कान से मिलता है, जो ग्रंथ है उसका आनंद हमारे अंदर मुख से नहीं जाता, हमारे अंदर कान से जाता है। तो पीवत भागवतम रसमालयम मूर रसिका भूपि भाव का, अगर हम लोग भी परीक्षित महाराज जी जैसा अगर अपने कानों से श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का रस पान का आनंद लेने लगेंगे तो हम भी निद्रा का सुख को भी त्याग पाएंगे। हमें पता चलेगा कि ना तो निद्रा में सुख है, ना तो आहार में सुख है, ना तो मैथुन में सुख है, और ना ही मांस मछली अंडे किसी में सुख है। आहार, निद्रा और भय, भय तो एक अनजाना सा है, जब हरि नाम करेंगे तो हरि नाम हमारे अंदर का भय मिटा देगा, हम अपनी मृत्यु का भय को भी मिटा सकेंगे, केवल हरि नाम शुद्ध होना चाहिए। तो हम लोग सब, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं कि आप लोग सब श्रील प्रभुपाद जी का इस मिशन को समझे, इस कौन में आए और अपने आप को ये 4 महापाप से बचाए और भय से मुक्त करके परम गंतव्य श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के धाम को प्राप्त करें। हरे कृष्णा।